एक्शन किंग 82 साल के बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र एक्शन किंग के नाम से भी पुकारे जाते हैं। पंजाब के जाट सिख परिवार में पैदा हुए धर्मेंद्र को बॉलीवुड में धर्म भी बुलाया जाता है। फिल्मों में प्रवेश के पहले रेलवे में क्लर्क थे, लगभग 125 रुपए तनख्वाह थी। मुंबई रवाना, धर्मेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव से ही हुई और इन्होंने फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। इसके बाद वह पढ़ाई करने के बाद मुंबई का रुख कर गए। डेब्यू किया, धर्मेंद्र को अभिनय का शौक बचपन से ही रहा है। उन्होंने पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से बॉलीवुड में एंट्री की। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं रही। इस फिल्म के लिए उन्हें 51 रुपया मिले थे। सुरैया से इम्प्रेस, इसके साथ ही कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी शौक को हकीकत में बदलने का फैसला सुरैया की फिल्म दिलगी से किया था। इस फिल्म को धर्मेंद्र ने 1 महीने लगातार देखी थी। उनकी पहली फिल्म में नायिका कुमकुम थी। 250 फिल्मों में काम। धर्मेंद्र का बॉलीवुड करियर 5 दशक लंबा रहा। धर्मेंद्र ने करीब 250 फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र ने मशहूर एक्ट्रेस और पत्नी हेमा मालिनी के साथ करीब 33 फिल्मों में काम किया। राजनीति में छाए धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 50 साल गुजारे हैं। उन्होंने फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी अपनी छाप छोड़ी है। राजस्थान के वीरभूमि से सांसद के रूप में उभरे। अब उनकी पत्नी हेमा मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। शोले बेहतरीन फिल्म, धर्मेंद्र की फिल्म शोले काफी फेमस हुई। इस फिल्म में उनके साथ ही उनकी अभिनेत्री हेमा और अभिनेता अमिताभ भी रहे हैं। फिल्म में इनका एक डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक फिल्म में उन्होंने चीते के साथ फाइट भी की। फेमस डायलॉग, इसके अलावा धर्मेंद्र के फेमस डायलॉग, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, व्हेन आई डेड, पुलिस कमिंग बुढ़िया गो इन जेल बुढ़िया चक्की पी सिंगन पी सिंगन पी सिंग पी सिंग पी सिंग, दो बेटी दो बेटे। 70 के दशक में उन्होंने एक ट्रेस हेमा मालिनी से प्रेम विवाह किया था। इस समय उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना हैं। उनकी पहली पत्नी से उन्हें सनी देओल और बॉबी देओल 2 बेटे हैं। फिल्मों से आने से पहले ही धर्मेंद्र की पहली शादी हो गई थी।